इसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो हमें पहले इसे क्या करना पड़ेगा, सम में ब्रेक करना पड़ेगा। और सम में जब ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास एलेवेंथ की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आपको आनी चाहिए, है ना, तो वो फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं डिस्प्ले, जो डिस्प्ले कर रहे हैं हम फॉर्मूले में, एलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा कि टू साइन ए कॉस बी, क्या लिखा जाता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन टू यहाँ तो मिसिंग है, तो टू हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट कुड बी रिटेन एज ए वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 3x और प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 3x और माइनस क्या हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 4x को आप क्या लिख लेंगे, दैट इज 7x, तो हम इसी स्टेप में लिख दे रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा या इसी स्टेप में लिख दीजिएगा डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस x आ जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा साइन आपका क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, और साइन अगर ऑड फंक्शन है तो ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। या दूसरी तरह से सोच सकते हैं कि जो माइनस एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना, जब भी हम लोग क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है ना, तो ये माइनस साइन किसी भी तरह से सोचिए, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो आप माइनस लिख लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका सिंपल सा इंटीग्रल हो गया, साइन 7x आपका ये डिफरेंस में जो प्रोडक्ट था वो डिफरेंस में एक्सप्रेस हो गया। अब इंटीग्रल क्या होता है आपका, लीनियर ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा, दोनों ही फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेगा या इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा। तो 7x dx एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए ये तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, इसका आप क्या रख दोगे, दैट कुड बी रिटेन एज ए साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और फिर चूंकि x का कोफिशियंट यहाँ पे 7 है तो अपॉन हम 7 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन का माइनस कॉस, और उस माइनस कॉस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस x, ठीक है, दैट इज योर प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब ये 1 बाई टू आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 बाई टू जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 14 और यहाँ 1 बाई टू आ जाएगा, ठीक है, तो ये ब्रैकेट हम हटा दे रहे हैं, दैट बिकम माइनस 1 बाई 14, तो आंसर आपका ये स्टेप आपकी फाइनल आंसर हो गई।